हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री शिक्षा। आज हम लोग करेंगे टॉप 30 एमसीक्यू मॉक टेस्ट ऑफ रेलवे ग्रुप डी। ग्रुप डी के लिए हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट करेंगे और वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर बताएं कि आपके 30 आउट ऑफ कितने स्कोर हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन इज विक्रम सेठ, एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति रॉय या फिर मनमोहन सिंह। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी। सेकंड क्वेश्चन इज माय फादर इज अ हीरो के लेखक कौन है। ऑप्शन इज नोवोलिल चक्रवर्ती, नीली मडाल मिया आधार, निशांत कौशिक या फिर ए पी जे अब्दुल कलाम। इसका आंसर है ऑप्शन सी निशांत कौशिक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर सुनने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद पहले आंसर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर सुनिए, उसके बाद पता चलेगा कि आपको 30 आउट ऑफ कितने स्कोर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, कितने क्षेत्रों में कालिदास पुस्तक दिया जाता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5। कालिदास पुस्तक 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड का लेखक कौन है। अजीब प्रेमजी, राजीव सिकरी, एन आर नारायण मूर्ति या फिर प्रेमा महाजन। इसका आंसर है ऑप्शन सी एन आर नारायण मूर्ति। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक एन आर नारायण मूर्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 62वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। ऑप्शन इज दंगल, रुस्तम, एयरलिफ्ट या फिर उड़ता पंजाब। इसका आंसर है ऑप्शन ए दंगल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2017 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है लाला लैंड, मूनलाइट, अराइवल या फिर फेंसेस। इसका आंसर है ऑप्शन बी मूनलाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी। ऑप्शन है नरगिस दत्त, शवाना आजमी, मधुबाला या फिर मीना कुमारी। इसका आंसर है ऑप्शन ए नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सरस्वती सम्मान प्रति वर्ष किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, ललित कला शिक्षा या फिर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी। नरगिस दत्त, शवाना आजमी, मधुबाला या फिर मीना कुमारी। इसका आंसर है ऑप्शन ए नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सरस्वती सम्मान प्रति वर्ष किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन इज साहित्य, ललित कला शिक्षा या फिर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। इसका आंसर है ऑप्शन ए साहित्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन इज देविका रानी, पृथ्वीराज कपूर, कानन देवी या फिर राज कपूर। इसका आंसर है ऑप्शन ए देविका रानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस शहर को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओस्लो, स्कॉटहोम, ब्रुसेल्स या फिर जिनेवा। इसका आंसर है ऑप्शन ए ओस्लो। ओस्लो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित हस्तियों में से कौन मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। पीवी चंद्रन, एलातू बालापिल श्रीधरन, टेसी थॉमस या फिर मनमोहन शर्मा। इसका आंसर है ऑप्शन बी
अलातु बलापिल श्रीधरन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी, यूएस, यूके, रूस या फिर स्वीडन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न से किसके शासन के दौरान सम्मानित किया गया था, जनता दल, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जनता दल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 14, भारत में सर्वाधिक वीरता पुरस्कार कौन सा है, परम विशिष्ट सेवा पदक, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर वीर चक्र। इसका आंसर है ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और कनाडा, या फिर चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, या फिर जापान, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, और लास्ट ऑप्शन इज जर्मनी, चीन, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, 1947 में, 1950 में, 1945 में या फिर 1946 में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में आया था। क्वेश्चन नंबर 17, ईटानगर की राजधानी कहाँ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर किसकी राजधानी है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, ऑप्शन इज नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर कानपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, उर्दू किस राज्य की शासकीय भाषा है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर जम्मू कश्मीर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। उर्दू जम्मू कश्मीर राज्य की शासकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 22, भारत की लोकसभा में कौन से राज्य की सबसे अधिक सीटें हैं, ऑप्शन इज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी सभी लोगों को भी हेल्प मिले। तो इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 23, आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ऑप्शन इज अनुच्छेद 352 से 361, अनुच्छेद 351 से 365, अनुच्छेद 352 से 360 या फिर अनुच्छेद 350 से 360। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352 से 360। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन बी, झेलम तथा रावी, ऑप्शन सी, ब्यास तथा सिंधु या फिर ऑप्शन डी, सतलुज तथा सिंधु। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु तथा झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 25, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्निवलिस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कृष्णदेव देशमुख, ऑप्शन बी इज एच जे केन्या, दीपक मिश्रा या फिर जगदीश खेर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एच जे केन्या।
भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच जे केनिया थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? रुकैया सुल्तान बेगम, जोधाबाई, मुमताज महल या फिर नूर जहां? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुमताज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 28। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 29। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर बेनार्ड? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 30। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन इज ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या फिर कृष्णा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे सोशल मीडिया से जुड़िए। फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो।